श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। नंगे पैर, पारंपरिक धोती, खेत से राष्ट्रपति भवन तक सम्मान पाने का सफर। तुलसी गौड़ा पर्यावरण को लेकर काम करती हैं। उम्र 77 बरस है, कर्नाटक से हैं। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कुछ लोग तुलसी को जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। वजह, पौधों और जंगल की शानदार समझ। बीते 6 दशकों से सक्रिय तुलसी 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तुलसी 2 बरस की थीं, तब उनके पिता दुनिया से चल बसे। माँ के साथ नर्सरी में पेड़ पौधों से जुड़ा काम करने से शुरू हुआ सफर 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी जारी है। ऐसे वक्त में जब धरती बचाने के लिए दुनिया के नेता एकजुट हो रहे हैं और जानकार नेताओं की कथनी करनी के फर्क को उजागर कर रहे हैं, तब भारत के गांव की तुलसी की कहानी और सम्मान उम्मीद जगाती है। डेक्कन हेराल्ड में छपी रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि तुलसी वन विभाग के वन रोपण कार्यक्रम में सक्रिय रहती थी। उनके काम को देखते हुए विभाग ने उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया। 14 साल काम करने के बाद वो रिटायर हुई। उनकी पेंशन ही उनकी आजीविका का एकमात्र जरिया है। उन्हें अपने उगाए हर किस्म के पौधे के बारे में पूरी जानकारी है, उनके फायदे के बारे में और उन्हें कितना पानी चाहिए, हर चीज की जानकारी उनके पास है। उन्हें उतना ही ज्ञान है जितना किसी वनस्पति वैज्ञानिक को होता है। वो वनों के संरक्षण को लेकर लोगों में लगातार जागरूकता फैलाने का काम करती रहती हैं। तुलसी का जन्म एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। वो कर्नाटक में हलक्की जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। महज 2 साल की उम्र में पिता को खो दिया। वो कभी स्कूल नहीं गईं। गरीबी की वजह से उन्हें बचपन में ही अपनी माँ के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम करना पड़ा। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन कुछ सालों में ही उनके पति की भी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनाई जो आज पूरे देश के लिए प्रेरणा है।